इन दिनों पूरे देश में रामलीला का मंचन जारी है। जनपद जालौन में भी रामलीला का आयोजित हो रही है। हमारे संवाददाता ने रामलीला में अभिनय करने वाले कलाकारों के बीच पहुंचे, रामलीला के बारे में जानकारी ली। लंका दहन लीला मंचन के दौरान मुलाकात हमारे संवाददाता की रावण के अभिनय निभा रहे संजय सिंघाल से हुई, जो पेशे से एक सरकारी शिक्षक हैं। उन्होंने बताया कि कोच की रामलीला ऐतिहासिक रामलीला में गिनी जाती है, इसलिए लिम्का वर्ल्ड बुक में दर्ज किया गया है। और हम बचपन से अनेकों अभिनय करते चले आ रहे हैं, लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं और भगवान राम की ऐसी कृपा है। हम अभिनय रावण का तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी आस्था भगवान राम में है। आपको बताते चले कि कोच में होने वाली रामलीला में अभिनय करने वाली कोई भी पात्र परिश्रमिक नहीं लेते हैं और अभिनय पूर्णतः निःशुल्क किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि मैं अभिनय करने में अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। आज मैं त्रिलोक विजेता रावण का अभिनय कर रहा हूँ और आज हनुमान रावण संवाद अर्थात लंका दहन लीला होगी। हमें विगत 40 वर्ष हो गए, मैं बाल कलाकार के रूप में इसमें प्रवेश किया था और इसकी विशेषताएं हैं तो चूंकि 166 वर्ष पूर्व कोच नगर के हमारे पूर्वज उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी और आज हम देख रहे हैं इस रामलीला को निरंतर हमारी विभिन्न कई पीढ़ियों ने इसमें अपना समर्पण भाव रखा। उसके बाद ये विश्व पटल तक पहुंची, लिम्का बुक रिकॉर्ड में पहुंची, तो इसमें केवल एक व्यक्ति नहीं वरन पूरे समूचे नगर का योगदान है। यहाँ जहाँ भी हम कंकड़ उठा के फेंकेंगे तो किसी न किसी कलाकार के ऊपर गिरेगा, तो ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव का विषय है कि आने वाले समय में कोच को रामलीला के नाम से जाना जाएगा, ये हमारे लिए गौरव का विषय होगा। और भारत देश की तरफ से पूरे विश्व में हम प्रतिनिधित्व करें कोच की रामलीला के माध्यम से, इससे बड़ा हमारे लिए गौरव की बात नहीं हो सकती। जैसा आप लोग अपने करते हैं क्या पारिश्रमिक लेते हैं क्या? जी नहीं, इसमें कलाकार प्रारंभ से लेकर अब तक बिल्कुल निःशुल्क रहते हैं और अपना हम सौभाग्य समझते हैं कि रामलीला का हिस्सा बनने का हमें मौका मिलता है। आजकल की वो फिल्म इंटरनेट में हो गई है, रामलीला में तक रहता है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है, मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि आज हम देख रहे हैं लोगों का रुझान फिल्मों की तरफ से हट रहा है और थिएटर और रामलीला की तरफ जुड़ रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा पास में कानपुर में एक थिएटर हो रहा है जिसमें 200 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक की टिकटें हैं जो ऑनलाइन बिक चुकी हैं। और जब हम लोग निकलते हैं तो हमसे बड़े सम्मान के साथ स्कूल के बच्चे अपना ऑटोग्राफ लेना पसंद करते हैं, तो मैं समझता हूँ मैं थिएटर करता हूँ, रामलीला करता हूँ, इसमें हमें बड़ा अच्छा आनंद की अनुभूति होती, लोग जरूरत से ज़्यादा हमें सम्मान भी देते इसके लिए।